अगर आपको क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना। हम अनअर्थ मूवी रिव्यू करने वाले हैं। ये एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको एक अजीब सा जानवर देखने को मिलता है। ये कहानी एक छोटे से शहर में टेक्स प्लेस करती है जहाँ पर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी जानवर की वजह से एक बड़ा सा ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है और शहर से बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। शहर में एक खूबसूरत शेरिफ भी है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। वहाँ पर उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे जांच करने के लिए वो एक विशेषज्ञ के पास लेकर जाती है। उन्हें पता चलता है कि इस जानवर के खून में तो बहुत सारे DNA हैं। शहर में कुछ जानवर बुरी तरह से मरने लगते हैं और कुछ लोग भी गायब होने लगते हैं। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है और ये जानवर कहाँ से आया है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, ये 2007 की मूवी है, उस हिसाब से इसका डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरह से मूवी को शूट किया है उसकी वजह से थ्रिल और सस्पेंस हमेशा बना रहता है। तो डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और कैमरा वर्क भी इम्प्रेसिव है। मूवी में कुछ अच्छे खासे टेंशन बिल्डिंग सीन्स भी है जो आपको कुछ जगह पर डरा देते हैं। एक सीन में तो आपको ऐसा लगेगा कि उस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, आप मूवी के साथ कनेक्ट हो जाते हो और आगे क्या होने वाला है ये जानने की एक्साइटमेंट भी रहती है। ये जानवर क्या है और कैसा दिखता है इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से सस्पेंस भी बनाकर रखा है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों की वजह से आपको मूवी का फर्स्ट हाफ पसंद आएगा। इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स को डिसेंट तरीके से डेवलप भी किया है। इस शरीफ के कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट भी हो पाते हो। उसने गलती से एक छोटी बच्ची को मार दिया था जिसकी वजह से वो मेंटल ट्रॉमा में है। मूवी की पेसिंग थोड़ी सी स्लो ज़रूर है लेकिन उसी की वजह से सस्पेंस बना रहता है। लेकिन मूवी को कुछ अच्छे लोकेशंस पर शूट किया है जिसकी वजह से स्लो सीन्स भी आपको पसंद आते हैं। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ थोड़ा सा एवरेज है लेकिन वो भी आपको पसंद आता है। एक सीन में इस जानवर की हिस्ट्री भी बताई है। उस वाले सीन में आप इंग्लिश सबटाइटल्स को ऑन कर लेना क्योंकि हिंदी में उसे अच्छी तरीके से नहीं बताया है। अगर आप इस जानवर की हिस्ट्री के बारे में समझ पाते हो तो ही उसके आगे की मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन फिर भी जो भी कुछ दिखाया है उससे काम चल जाता है। मतलब सब कुछ आपको रियल लगता है और टेंशन वाला माहौल बना रहता है। हालांकि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत बढ़िया है, वहाँ पर सब कुछ रियलिस्टिक लगता है। मूवी में आपको खून खराबा भी देखने को मिलेगा। मूवी का सेकंड हाफ पूरी तरह से अंधेरे में है तो आप भी उसे अंधेरे में ही देखना। ये मूवी परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ये एक लो बजट मूवी है जो 2007 में बनी है, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है। इसकी एंडिंग को और भी बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सकता था और एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि मूवी आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करती। मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे पसंद आई और स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। ये लगभग 1.5 घंटे की मूवी है और आपको बोर नहीं करती। हिंदी डबिंग अच्छी है और इसमें कोई एडल्ट सीन भी नहीं है। प्रो ऑडियंस को ये एक एवरेज मूवी लगेगी और ओवरऑल मूवी डिसेंट है। अगर आपको हॉलीवुड की पुरानी क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो ये भी आपको पसंद आएगी। मैं इस मूवी को दूंगा 6 out of 10। अगर आपको क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो इसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको ऐसी मूवीज़ के बारे में जानना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।